नमस्ते, सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता ठेकुआ, जिसे आप बिना मोल्ड का इसे बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं, जिसे आप बहुत दिनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए क्या करें कि सबसे पहले एक कोई बर्तन लें और इसमें डाल देंगे आटा। तो ये गेहूं का आटा है, तो यहाँ पर 2 बाउल के करीब गेहूं का आटा डाल दें, जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। और 1 बाउल डाल देंगे इसमें मैदा, तो 1 बाउल के करीब यहाँ पर मैदा को डाल दें। और इसमें डाल देंगे, यहाँ 1/2 बाउल के करीब सूजी है, इसे भी डाल दें। ये थोड़ी सी बारीक वाली सूजी है, आप यहाँ पर नॉर्मल सूजी को भी डाल सकते हैं। और साथ में 1/2 बाउल के करीब ये डाल दें, यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट है, इसे भी डाल दें। इससे बहुत ही खस्ता आपका जो ठेकुआ है बनेगा, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। और क्या करेंगे कि साथ में इसमें डाल देंगे, ये सौंफ है, तो 2 बड़ा चम्मच के करीब इसमें सौंफ डाल दें, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में थोड़ा सा इलायची डाल दें, तो आप इलायची को हल्का सा कूट लें या इसका पाउडर को भी डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने 1 बाउल के करीब मैदा को डाला है, आप चाहे तो सिर्फ आटा से भी इसे बना सकते हैं। मैंने ठेकुआ का और एक वीडियो को डाला है, जिसमें मैंने सिर्फ गुड़ और आटा से ही इसे बनाया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तब क्या करेंगे कि इसमें गुड़ डाल देंगे, तो ये बहुत ही थोड़ा गुड़ है, यानी 2 बड़ा चम्मच के करीब गुड़ है, इसे भी डाल दें। और गुड़ और आटा को क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें, गुड़ को बहुत ही अच्छी तरह से आटा में मिला लें। इस ठेकुआ में आज हम गुड़ और चीनी दोनों को डालेंगे। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो इसे सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन गुड़ में आटा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही चीनी को डालें। यहाँ पे देखिए, मैंने गुड़ को बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिया है। तब क्या करें कि इसमें चीनी डाल दें। यहाँ पर मैं इस ठेकुआ में ये नॉर्मल चीनी ही डाल रही हूँ, आप भी नॉर्मल चीनी ही डालें, इससे बहुत ही अच्छा ठेकुआ बनेगा। वैसे आप इसमें पिसा हुआ चीनी को भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने गुड़ के बुरादे को डाला है, आप चाहें तो नॉर्मल गुड़ को ग्रेट कर ले वैसे डाल सकते हैं, या गुड़ को पानी में मेल्ट करके डालें। और यहाँ पे मैंने गुड़, चीनी और आटा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें घी की। और यहाँ पे देखिए, मैंने 1/2 बाउल के करीब घी को लिया है। घी जो है हमारा हल्का सा गर्म है, तो घी को एक साथ पूरा नहीं डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी को डालें। इसमें घी जो है हल्का सा गर्म डालेंगे तो आपका जो ठेकुआ है बहुत ही खस्ता बनेगा। घी को बहुत कम और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें, अगर घी को आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपका जो ठेकुआ है तेल में जाते ही टूटने लगेगा। तो घी को बहुत ही हिसाब से डालें और घी को बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालें। घी को इतना ही डालेंगे कि जो ये आपका डो है अच्छी तरह से बंधने लगे, ये देखिए इस तरह से। जब आपका डो इस तरह से बंधने लगेगा तो सोचिए कि आपका जो घी है बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है। तब क्या करेंगे कि इसका अब डो बनाएंगे। हमें इसका डो रोटी पूरी पराठा जैसा नहीं बनाना है, हमें इसका डो कैसे बनाना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल पानी को लें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे इस तरह से मिलाते जाएं। इस ठेकुआ के डो को बस हमें मिलाते जाना है, पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इस डो को मसल करके चिकना नहीं करना है, बस इस डो को इस तरह से मिलाते जाना है। ये बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बिना मेहनत का। ध्यान रहे कि पानी को बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालें, पानी को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसे इस तरह से, देख रहे हैं कि इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इस ठेकुआ के डो में मैंने नारियल का बुरादा को डाला है, आप चाहे तो गड़ी होता है ना, उसे भी बारीक काट करके इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें घी को डाला है और 1/2 बाउल के करीब इसमें पानी को डाला है। इस डो को आप चाहे तो दोनों हाथों से इस तरह से जो डो है इसे मिला सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे जो डो है हमारा बन करके रेडी हो गया है, यानी इस आटा को मैं बहुत अच्छी तरह से मिला ली हूँ, बस इसे ऐसे ही मिलाना है। इसमें से थोड़े से डो ले करके आप इस तरह से इसे चेक भी कर सकते हैं।
अगर आपको थोड़ा भी अगर बॉल्स ना बन रहा हो तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल करके डो को इस तरह से मिला लें। लेकिन जो हमारा यहाँ पे डो है बहुत ही अच्छी तरह से बॉल बन रहा है, तब इसके अब हम ठेकुआ बना लेंगे। तब क्या करें कि इसमें से थोड़े से मिश्रण को लें, यानी जितना बड़ा आपको ठेकुआ बनाना हो उतना मिश्रण को लें और इसे इस तरह से राउंड कर लें। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से ठेकुआ बनाना सिखाऊंगी, गोल और एक लंबा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक गोल बना रही हूँ। हाथों से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर दें और एक ग्लास लें, इसके एक डिजाइन बना दें। तो बस इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करते जाएं। यहाँ पर मैंने थोड़े से छोटे ग्लास को लिया है, आप बड़े ग्लास से भी इसे बना सकते हैं। और यहाँ देखिए बिना मोल्ड का ही जो हमारा ठेकुआ का डिजाइन है कितना अच्छा बन करके रेडी हो गया है। तो मैं एक और बना करके दिखाती हूँ। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप इसे ग्लास से ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लास से बनाया है, आप इसे कोई भी छोटे कटोरी या कोई प्लेट से भी इसे बना सकते हैं। बस एक थोड़ा सा इसमें से मिश्रण लें और इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दें और बस इसे ग्लास से इस तरह से काट लें। आपका बिना मोल्ड वाला ठेकुआ बन करके रेडी हो गया है। और अगर आप लंबा ठेकुआ बनाना चाहते हैं तो उसे इस तरह से बनाएं। बस थोड़े से मिश्रण को लें और इस जो मैंने राउंड किया था इसे थोड़ा सा लंबा बना लें और इसे बस इस तरह से हल्का सा चिकना कर लें और इसे हल्का सा हाथों से प्रेस कर दें और बस अब इसे ग्लास से डिजाइन बना लें। आप ठेकुआ के डिजाइन को ग्लास से बना सकते हैं, ग्रेटर से भी बना सकते हैं और मोल्ड से भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप इसे इस तरह से बनाएं। इस ठेकुआ के मिश्रण में मैंने घी को डाला है। बहुत लोग घी नहीं खाते, अगर आप घी नहीं खाते तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल को भी डाल सकते हैं। इस ठेकुआ के डो में मैंने नारियल का बुरादा को डाला है। अगर आप इसमें नारियल का बुरादा को डाल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी कम भी डालेंगे ना तो जो आपका ठेकुआ है बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने चार ठेकुआ को इस तरह से बना लिया है। बहुत ही खूबसूरत जो हमारा डिजाइन बना है, ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल कि हमने मोल्ड से बनाया है। तो सारे ठेकुआ को इसी तरह से बना लें। और यहाँ पे देखिए हमने सारे ठेकुआ को इस तरह से बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई लें और उसमें तेल या घी जो भी आपको पसंद हो उसे लें और उसे हल्का सा गर्म कर लें और इसमें डाल दें ये ठेकुआ। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करें और बहुत ज़्यादा मात्रा में ठेकुआ को डालें भी नहीं। और गैस को बिल्कुल लो रखें, लो फ्लेम पे इसे बनाएं। ध्यान रहे कि गैस को हाई अभी बिल्कुल भी नहीं करें और ना ही अभी इसे हम टच करेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो आपका जो ठेकुआ है ऊपर से बहुत ही चसिक जाएगा लेकिन भीतर से जो आपका ठेकुआ है कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए ठेकुआ को जब भी बनाएं लो फ्लेम पे बनाएं और पेशेंस के साथ बनाएं। और ये देखिए जो हमारा लग रहा है कि ठेकुआ हल्का सा नीचे से सिक गया है तो बहुत ही आस्ते क्या करें कि ठेकुआ को पलट करके दूसरी तरफ भी फ्राई कर लें। घी या तेल आप उतना ही मात्रा में डालें जितना आपका सारा ठेकुआ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा तेल घी डालने से आपका जो घी बच जाएगा उसे दोबारा फिर फ्राई न करें। और यहाँ पर ठेकुआ को क्या करें कि उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लें, यानी कि गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गैस को अब लो टू मीडियम रखें और यहाँ पे जो हमारा ठेकुआ है देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। हल्का सा तेल को इस तरह से निकाल लें और यहाँ पे जो हमारा ठेकुआ बना है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बना है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे ठेकुआ को एक प्लेट में निकाल लें और सारे ठेकुआ को इसी तरह से फ्राई कर लें। आप ठेकुआ को जब भी डालें तो गैस को बिल्कुल लो रखें और जब आपका ठेकुआ अच्छी तरह से सिक जाए तो गैस को लो टू मीडियम रखें और ठेकुआ को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें। इस तरह से अगर आप ठेकुआ को फ्राई करेंगे तो आपका जो ठेकुआ है हार्ड भी नहीं होगा और भीतर से कच्चा भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे लीजिए हमने सारे ठेकुआ को बना लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता हमारा ये ठेकुआ बन करके रेडी है। ये देखिए जो हमारा ठेकुआ है दिखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने बिना इसे मोल्ड का बनाया है और भीतर से बहुत ही सॉफ्ट। तो आप इस ठेकुआ को जरूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगा।